नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका आप आईएएस के चैनल में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2019 के कंप्लीट पूरे पेपर को, और साथ ही साथ उसके जो आंसर हैं, अप्रोप्रिएट आंसर होंगे, उसको हम लेकर के पूरा डिस्कस इसमें करने वाले हैं, पूरे पेपर को प्रीलिम्स के। हाल ही में जो 15 दिसंबर 2019 को पेपर कंडक्ट किया गया था, उस पेपर को हम लोग आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं विस्तार से। हाँ फ्रेंड्स, तो हम चलते अपने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पेपर की तरफ। तो ये है सेट टी, जो कि हाल ही में 15 दिसंबर 2019 को ये पेपर कंडक्ट किया गया था। तो इस पेपर में चलते हैं, तो पेपर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्रिस्टीना जॉर्जिवा। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, यह कि भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो इसमें से इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ध्रुव। ये है इसका सही आंसर। यानी कि यदि हम इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करें, तो जैसे कि लक्ष्य कार्यक्रम की बात की जाए, तो लक्ष्य कार्यक्रम जो है, तो ये कार्यक्रम जो है, तो 2018 में गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था ना। ये जो है, तो इसका जो लक्ष्य था कि मातृ मृत्यु दर की जो मतलब कि ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए, यानी कि उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट आने के लिए, ये तो परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। वहीं यदि हम प्रतिभा की बात करें, तो ये प्रतिभा कार्यक्रम की बात करें, तो ये जो है, तो विज्ञान व गणित में जो है, तो कक्षा 8 से 10 तक के जो बच्चे हैं, उनमें से एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन विषयों में जो है, तो उनकी रुचि बढ़ाने के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए जो है, तो इन चीज़ों पे मतलब कि बढ़ावा देने के लिए जो है, तो ये लाया गया था। वहीं अगर हम ध्रुव की बात करें, तो ये ध्रुव जो प्रोग्राम है, तो ये जिस प्रकार से ध्रुव तारे की बात हो, तो उसी के कॉन्सेप्ट पे जो है, तो ये ध्रुव लाया गया था MHRD के द्वारा, है ना। ये जो है, तो प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम के तहत इसको जो है, तो बच्चों में जो है, तो ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसका जो उद्देश्य है कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, ठीक है, तो उनको चुन करके उन्हें उनकी क्षमता का एहसास करा करके समाज हित उनके योगदान करने हेतु प्रेरित करने के लिए जो है, तो ये कार्यक्रम लाया गया था। और जो जितने भी इसमें चयनित होंगे जो छात्र इस कार्यक्रम के तहत, तो उनको जो है, तो हर छात्र को ध्रुव तारा कहा जाएगा। और इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देने का प्रयास करें, तो ये जो मतलब कि ध्रुव प्रोग्राम गवर्नमेंट ने मतलब कि लॉन्च किया है, तो इसमें जो है, तो दो क्षेत्र इसमें ज़्यादा मतलब कि फोकस किए गए हैं। वो दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है विज्ञान और दूसरा है कला। तो विज्ञान और कला के क्षेत्रों में से जो भी मतलब कि लगभग लगभग इसमें जो ध्रुव प्रोग्राम के तहत जो वो होंगे छात्र, तो उसमें से लगभग दोनों में से 30-30 छात्र जो हैं, तो चयनित किए जाएंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत। और इसमें से और एक इसकी खास बात यह है कि ये जो ध्रुव प्रोग्राम है, तो ये कक्षा नौ से लेकर के 12वीं तक के छात्रों के लिए ही मतलब कि वही इसमें एलिजिबल हैं, और उन्हीं का चयन इसमें हो जाएगा इस प्रोग्राम के तहत, ध्रुव कार्यक्रम के तहत। तो ये जो है, तो आपके अन एग्ज़ामों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, है ना। साथ ही साथ जैसे कि अभी एमपी स्टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, वहीं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम इसको माना जा सकता है, है ना, जिस प्रकार से बच्चों कौशल समृद्धि से संबंधित है। तो वहीं अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो इसमें से सही जो मैचिंग कराने की बात की है, तो इसमें जैसे कि है कि थॉमस कुक की बात की गई है, है ना। तो ये थॉमस कुक कौन है? तो इन पे यदि देखा जाए, तो इस पे यदि हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें जो है, तो एक इस पर सही मैचिंग के लिए जो है, तो जैसे कि ग्रेटा थनबर्ग की है बात की जाए, तो ग्रेटा थनबर्ग कौन है? एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। वहीं कैरी लैम की बात की जाए, तो कैरी लैम जो है, तो हांगकांग की नेता हैं, ठीक है। डॉक्टर उषा किरण की बात की जाए, तो डॉक्टर उषा किरण भारत भारती सम्मान की विजेता हैं 2018 में, यूपी की सरकार के द्वारा ये दिया गया है प्रोग्राम, है ना। और वहीं थॉमस कुक की बात की जाए, थॉमस कुक जो है, तो ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी के वो हैं इसमें, है ना, हेड हैं। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा, तो आंसर डी होगा, ठीक है। इसमें से यदि हम देखें, है ना, कि जैसे इस पे एक क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो है, तो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे है कि वर्ष, ये थोड़ा सा कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि उलझाने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा था, कि लोगों को जो है, तो मिस मतलब कि डाउट क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी ईजी भी क्वेश्चन था। जैसे कि इसमें देखते हैं कि ये करंट जो है, कि 2019 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया है, ठीक है, और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? यानी कि इसमें पूछा गया है कि प्रथम महिला कौन थी जो कि जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यदि हम बात करें कि 2019 में जो है, तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है, तो वो 3 लोगों को मिला था। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? एक तो हैं अपने भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी जी,
सेकंड नंबर पे हैं अपनी ये डफलू जो कि इनकी वाइफ हैं, ठीक है, अभिजीत बनर्जी की, इनको भी मिला है। और थर्ड नंबर पे आते हैं क्रेमर जी, तो क्रेमर को भी, यानी कि तीन लोगों को संयुक्त रूप से 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला है। ये आपको अन्य एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं यदि हम बात करें तो ये जो डफलो हैं तो इनको जो है तो ये दूसरी महिला है जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला है। वहीं यदि हम फर्स्ट महिला की बात करें तो फर्स्ट महिला जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला है उन्हें वो 2009 में उनको मिला था। अब वो हैं महिला एलिनोर आस्टर्म। एलिनोर आस्टर्म को 2009 में जो है तो नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच है सितंबर 19 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति में किस अवधि से संबंधित है। तो ये है 2019 से 2029 के लिए, ठीक है, ये अपना पाँचवा का बी आंसर होगा। अब वहीं हम चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान इस कहाँ अवस्थित है। तो ये इसका सही आंसर होगा मैसूर। वहीं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है तो वो लक्ष्य कब तक के रखा गया है, 2030 तक। अभी हम बात करें तो UNCCD का भी जो हाल ही में प्रोग्राम भी हुआ है ना, COP14, तो उसमें भी जो है तो गवर्नमेंट ने मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने जो है तो इसकी अपनी प्रतिबद्धता भी इसमें उन्होंने मतलब कि व्यक्त की है कि जो यहाँ पास मतलब कि कह सकते हैं कि SDG के लक्ष्यों के साथ ही जो कि SDG के जो गोल अचीव करने हैं वर्ल्ड लेवल पे वो 2030 तक उन गोल को मतलब कि अचीव करना है, 2030 तक उसका वो टाइमलाइन है। तो उसी पे यदि बात की जाए तो इस COP20 मतलब कि जो COP14 हुआ था UNCCD का, तो इसमें भी जो है तो मतलब कि ये इस प्रतिबद्धता को फिर से मतलब कि दोहराया भी गया। साथ ही साथ जो है तो कुछ उन्होंने जो मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ मतलब कि जो भारत के लिए और भी जो लक्ष्य हैं तो उन्होंने निर्धारित भी किए हैं, है ना। उन पर जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि इसमें ये देखा कि लगभग लगभग भारत जो है तो अपने इन लक्ष्यों के साथ ही साथ जो है तो 21 से 26 मिलियन, है ना, 21 से 26 मिलियन जो ये लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो इसको एक प्रकार से रिस्टोर कर लेगा, है ना। जो बंजर भूमि परिवर्तित होती जा रही है तो इसको मतलब कि एक प्रकार से उर्वर उसमें कन्वर्ट कर ले जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2030 तक होगा, है ना। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कि चंद्रयान 2 अंतरिक्षयान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा GSLV Mark 3 M1, ठीक है, पहला आंसर। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि यह है कि भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यदि इसमें ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था, ये सही है। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना था, तो बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि इसका मतलब कि ये लगभग लगभग 1250 किलो प्लास्टिक से जो है तो ये चरखा बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। तो ये क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका जो आंसर सही होगा तो वो होगा तिलचट्टा या कॉकरोच। हम कॉकरोच के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें यदि फ्रेंड, तो यहाँ पर जैसे कि बात करें कि जो कॉकरोच होता है तो इसका जो ब्लड होता है वाइट क्यों होता है। तो पहली बात तो यदि देखें कि इसका जो रक्त सफ़ेद होता है क्योंकि इसके जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए जो है तो इसका रक्त जो है तो सफ़ेद हो होता है, है ना। यदि और देखा जाए तो जो इससे कॉकरोच से रिलेटेड और ये बात की जाए तो इसमें से जैसे कि इसका यदि सर कट जाता है तो सर कटने के बाद भी लगभग 9 दिन तक कॉकरोच जिंदा रह सकता है। और भी यदि देखा जाए तो ये जो है तो कॉकरोच जैसे कि लोग मतलब कि कॉकरोच को एक प्रकार से जो है तो उसको मतलब अपने आसपास के क्षेत्र से एक प्रकार से ख़त्म करते रहते हैं, उसके पीछे ये रीज़न है कि जो कॉकरोच जहाँ भी होते हैं तो ये लगभग लगभग अपने आसपास लगभग 33 प्रकार की जो बैक्टीरिया फैलाते हैं, है ना, जिससे कि जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां एलर्जी महामारी जैसी बीमारियां फैलती हैं, इसीलिए जो तो इनको मतलब कि एक प्रकार से रोक किया जाता है। वहीं यदि इसमें और भी देखें तो जैसे कि कॉकरोच की और भी कुछ विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए तो जैसे बिना खाए लगभग 1 महीने तक जो है तो ये जिंदा रह सकते हैं। वहीं यदि बिना पानी की बात करें तो बिना पानी के लगभग लगभग 7 दिन तक कॉकरोच जिंदा रह सकते हैं। तो ये कॉकरोच से रिलेटेड जो है तो इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ हो सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है,
ये है इसका नंबर ए, मतलब कि दालें, दालों में जो है तो इनके उस पर जो है तो राइजोबियम जो इस प्रकार के जो है तो बैक्टीरिया इसमें स्थिरीकरण होता है नाइट्रोजन का, तो इसका आंसर हो जाएगा। वहीं चलते हैं कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, तो इसके सही आंसर की बात की तो इसमें आंसर होगा त्रिज्या उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। थोड़ा सा हम ये ध्यान दें तो जो बुलबुला होता है तो साबुन के बुलबुले का जो इसमें दो प्रकार के जो है तो इसमें वो होते हैं दाब लगते हैं, एक आंतरिक दाब होता है एक बाहरी दाब। बाहरी दाब जो होता है वो वायुमंडल का दाब होता है और आंतरिक दाब जो होता है उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये जो आंतरिक दाब होता है ये ज़्यादा होता है कंपेयर देन बाहर के वायुमंडलीय दाब से, है ना। तो इस पर हम देखा जाए तो इस पर जब थोड़ा सा कुछ मतलब इसे आवेशित किया जाता है कुछ उससे तो इसकी जो रेडियस होती है तो रेडियस जो है तो बढ़ जाती है ना, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड देखते हैं कि इसमें जो है तो निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखें कि ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन सही है, एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक ये भी सही है, नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है ये भी सही है, लेकिन रियान ये जो है तो इसमें गलत है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर रियान, है ना। रियान जो है तो ये रूपांतरित स्टार्च नहीं बल्कि ये रियान जो है तो एक सेलुलोज से बना एक प्रकार से फाइबर है ना। अब हम चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो यदि हम इस पे देखें तो जो इसका सही आंसर होगा तो कपास की, कपास जो है तो इसमें से प्रोटीन नहीं है, है ना। कपास जो है तो सेलुलोज का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। वहीं यदि बात की जाए कि बाल है या कि स्पाइडर सिल्क है या जो जानवरों के खुर होते हैं, है ना, वो भी जो है तो ये भी एक प्रकार से प्रोटीन ही है, जो केशिन वगैरह प्रोटीन इनसे जो है तो एक प्रकार से डेवलप हो जाते हैं, तो ये एक प्रकार से ये प्रोटीन की श्रेणी में ही आते हैं, है ना। तो ये हो गया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्त नहीं होती है, तो यदि हम इसमें देखें तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ए और बी दोनों, यानी कि इसका सही आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि थर्मस फ्लास्क जो होता है तो उसमें जो जिस प्रकार से मतलब कि जो मतलब कि कह सकते हैं कि जो मेटल का कोट किया जाता है तो उसके पीछे ये इसका रीज़न होता है कि जो एक प्रकार से उसको उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना, है ना, एक प्रकार से निर्वात का वो बना देना ताकि ना तो कोई टेम्परेचर बाहर से अंदर आ सके और ना ही अंदर से बाहर जा सके, है ना। तो यानी कि जो भी संचालन संवहन विकिरण कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन ये जो वो मतलब कि होते हैं तो ये इनका कोई भी प्रभाव ना हो, इसी कारण इसके अंदर जो फ्लास्क के अंदर जो रखा लिक्विड होता है तो एज इट इज़ रहता है ना, तो इसलिए इसका आंसर जो है तो सी हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की है तो इसका आंसर होगा अग्नाशय, है ना, यानी पैंक्रियाज इसका सही आंसर होगा। इस बात की लीवर और पैंक्रियाज जो होते हैं ये दोनों एक प्रकार से अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों मानी जाती हैं, है ना। वहीं हम अपने नेक्स्ट आंसर 17 की बात करें तो निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, है ना, तो कैल्शियम तो साफ दिख रहा है जिप्सम में कैल्शियम होता है, इसके फॉर्मूले में देख सकते हैं कि CaSO4+H2O, है ना। अब यदि हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, है ना, तो इस पे देखें कि सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, ये जो है तो गलत है ना, बाकी पूरे मतलब कि सही है, यानी कि दूधिया मैग्नीशियम या कि कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका प्रयोग जो है तो एंटी एसिड के लिए होता है ना, बाकी सिल्वर ब्रोमाइड तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए होता ही, वहीं सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो ये कृत्रिम वर्षा के लिए सही है ना, तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा क्या, सी नंबर। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19 क्वेश्चन नंबर है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थितियों के कारण है, तो इस पर यदि देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फिनाइल एवं फ्लेवोनाइड की वजह से, है ना, इसमें जो है तो फिनाइल और फ्लेवोनाइड, है ना, और साथ ही साथ ये बात की जाए तो इसमें जो है तो शेफोनिस टाइप से इस प्रकार की जो है तो विभिन्न औषधि तत्व होते हैं जिस प्रकार इस कारण जो है तो इसकी औषधीय महत्व ज़्यादा होती है ना। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है ना। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा तो वो होगा सी नंबर, कि उत्पादक जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं या अधिक हैं, है ना, इकोसिस्टम में, है ना, इसीलिए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी जो चैन है तो सर्वाइव भी कर रही है और बनी हुई है, संतुलन बना भी हुआ है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि
सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो सुपोषण के संदर्भ में यदि बात की जाए तो इसमें से है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व तो संवर्धन की घटना है, बिल्कुल सही है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल ये भी सही, यानी इसका आंसर होगा सी, यानी कि एक और दो दोनों, है ना। यानी यूट्रोफिकेशन जो होता है तो इससे क्या होता है कि जब ये जो है तो अन्य बहुत से जो है तो पोषक तत्व तो जब जलीय उस पर पहुँच जाते हैं तो धीरे धीरे जो है तो परत बन जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन जो है तो एक प्रकार से नीचे तक अच्छे से नहीं हो पाती, साथ ही साथ जो है तो ज़्यादातर एक प्रकार से ऑक्सीजन की जो है तो इसमें कमी हो जाती है ना। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मानव गतिविधियों से मतलब कि मानव गतिविधियों से जो परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है ना। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण तो ये तो सिंपल सा मतलब कि कह सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है ना। वहीं चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, है ना। तो इसमें से देखें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, ये क्या सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यदि भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो डाइवर्सिटी में कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। और यदि देखें कि नेक्स्ट पे चलते हैं कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं, ये सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये भी सही है। यहाँ पास आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ए और डी में किस प्रकार का कंट्राडिक्शन भी देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पास स्पेशल बताया भी गया, तो इसका जो है क्वेश्चन मतलब कि 23 का ए सही होगा, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है ना। तो 24 का ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइकेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न कौन सा सही समय है कि इस पे देखें, 25 नंबर क्वेश्चन पे देखा जाए तो इसमें जो है तो देखें तो अलवणीकरण, तो इसका समुद्री जल, प्रतिलोम पराशन, पेयजल, विकृतीकरण, प्रोटीन, पाश्चरीकरण, चाय, ये गलत है ना। पाश्चरीकरण का चाय नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इसमें इसका आंसर डी नंबर सही। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो निम्न में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है ना। 26 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं तो 26 नंबर क्वेश्चन जो है तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है ये हर्बिसाइड है ना, तो ये इसका आंसर सही होगा। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेथेन है ना, CH4। वही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? गुड़ग्राम में स्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% सौर ऊर्जा का चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है ना, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर होगा दीव, है ना। ये 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ये स्टेटमेंट दिया गया है तो उसमें से कथन पहला कहता है कि मानव विकास सूचकांक जो SDI है और सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन पर आधारित जो भारतीय राज्य हैं उनकी वरीयता में एक प्रकार से कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन की बात की जा रही है, कि पॉजिटिव रिलेशन है ये स्टेटमेंट कह रहा है ना। वहीं उसके पीछे रीजन बताता है कि SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित हैं, तो इसका कारण बिल्कुल सही है ना। यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, तो ये जो SDI है और SDG की बात की जाए तो इन दोनों में एक प्रकार सिमिलरिटीज़ हैं, है ना। सिमिलरिटीज हम HDI की यदि बात की जाए तो HDI में जो मतलब कि इसके पैमाने हैं है ना, कि उसमें से जैसे बात की गई स्वास्थ्य है ना, हेल्थ की बात की गई है उसमें भी है ना, वहीं बात की गई कि एजुकेशन की बात की गई है ना, स्वास्थ्य की बात, एजुकेशन की बात, वहीं जो है तो लिविंग स्टैंडर्ड की बात, ये जो है तो इसके जो पैमाने हैं है ना, ये HDI की बात की जाए तो। अब हाल ही में यदि बात की जाए तो HDI जो रिपोर्ट UNDP ने प्रकाशित की है तो इसमें भारत की जो रैंकिंग की बात की जाए तो ये अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि जो भारत की जो रैंकिंग हो गई तो 129 हो गई है, जो कि पिछली 2018 में 133 थी, है ना। यानी कि थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है एक रैंक का, तो ये हाल ही की जो है तो HDI रैंकिंग है। तो इस पर हम देखते हैं कि यानी कि इसका जो आंसर होगा तो इसका आंसर होगा कौन सा, ए, यानी कि इसका कथन और कारण दोनों सही है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जैसे क्या इस क्वेश्चन में है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, है ना। तो इस पर देखा जाए तो इसका नंबर 31 का जो आंसर होगा तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि
तीनों, क्योंकि जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक होता है मल्टी मतलब कि यदि देखा जाए तो मल्टी पावर्टी जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, तो इसमें यदि इस पर थोड़ा सा हम देखें तो स्पेशल तौर पे जो है तो इसको कौन प्रकाशित करता है, तो इस पर देखा जाए तो ये MPI जो मल्टी पावर्टी डायमेंशनल जो ये रिपोर्ट है इंडेक्स है तो इसको प्रकाशित करता है UNDP प्लस जो है तो ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है तो ये जो है तो प्रकाशित करते हैं ये दोनों मिल करके, है ना। ऑक्सफोर्ड पावर्टी वो जो है तो एक इनका इनिशिएटिव से ये जो मल्टी पावर्टी मतलब कि ये जो है तो प्रकाशित की जाती है। तो इस पर यदि देखा जाए तो इस पर जो मतलब कि MPI है तो इसके जो हम पैमानों की बात करें तो ये जो है तो 10 आधार पे जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है ना, 10 आयामों पे। उन 10 आयामों में यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण उसमें से जैसे कि स्वास्थ्य है ना, शिक्षा है, जीवन स्तर है, ये महत्वपूर्ण उसमें आयाम या पैमाने उसमें लिए गए हैं, है ना। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जाए तो ये जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मतलब प्रकाशित हुई थी तो इस पर देखें तो ये जो इसमें बताया गया कि भारत के जो 640 जिले हैं, है ना, तो उसमें से अलीराजपुर जो है तो MP का, है ना, MP का जिला है अलीराजपुर, और इसको जो है तो देश में सबसे गरीब राज्य जिला बताया गया है इस रिपोर्ट में, है ना। यहाँ पास लगभग 76.5% लोग जो है तो गरीबी एक प्रकार से गरीब हैं, है ना। यदि भारत की संदर्भ में बात की जाए तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में लगभग 21.9%, है ना, 21.9% लोग जो है तो BPL से नीचे हैं। वहीं देखा जाए तो उसमें से भी 21.2% लोग ऐसे हैं जो कि जो मतलब कि मतलब एक पैमाना है कि जो प्रतिदिन के हिसाब से कौन गरीबी की उस पर आएगा तो उसके लिए पैमाना है कि $1.90। तो ये 21.2% लोग जो भारत के हैं तो ये जो है तो पर डे $1.90 से भी कम कमा पाते हैं, है ना। ये गरीबी का स्तर यहाँ पास मतलब कि इसी रिपोर्ट पे बताया भी गया था, है ना। तो इस रिपोर्ट पे हम देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा, डी नंबर इसका आंसर सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर की चयन करना है, है ना। इसमें यदि देखा जाए तो जो मतलब कि इस पर स्पेशली हम देखें तो यहाँ पास जैसे कि बात की जाए तो हाँ कि ये देखें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की यदि बात की जाए तो ये आया था अपना 1972 पे, ठीक है। वहीं नेक्स्ट पे देखते हैं जैव विविधता अधिनियम, तो जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में, ठीक है। वहीं प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर अपना आया था 1973 में। वहीं प्रोजेक्ट हाथी की बात की जाए तो प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 में, है ना। तो इस पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें से कौन सा आंसर जो है तो सही हो रहा है, तो देखें तो इसमें से जो लगभग देख यदि हम इस पर देखें तो 32 बजे लगभग पहले जो इस पर जो सीक्वेंस की बात की गई थी इसमें कालक्रम के अनुसार इसमें व्यवस्थित करने की बात इसमें की गई थी, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा तो होगा बी नंबर, यानी कि पहले वन्यजीव संरक्षण एक्ट आया, ठीक है, उसके बाद यानी कि 1972, उसके बाद जो है तो अपना प्रोजेक्ट टाइगर 1973, उसके बाद अपना आया प्रोजेक्ट हाथी 1992, और उसके बाद आया अपना जैव विविधता एक्ट 2002, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, है ना। तो इसमें से इसका जो सही आंसर होगा वो है 21 दिनों के भीतर जो है तो मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। वहीं हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, है ना, 5 जो है तो इसमें एक प्लस इसमें क्या शामिल नहीं है, है ना। तो इसमें से देखा जाए तो इसमें से इसका जो आंसर है कि मृत्यु का पंजीकरण इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी जो उच्च रक्तचाप या मधुमेह, डायबिटीज़ या HIV परीक्षण, ये इसमें जो है तो इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन जो मृत्यु का पंजीकरण है तो इसमें जो है तो NFHS 5 में सम्मिलित नहीं किया गया है, है ना। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है, है ना। तो इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, है ना। तो इस पर्यावरणीय कुजनेट्स, तो इसमें से यदि हम देखा जाए तो इसका जो वक्र की बात की गई है ना, तो इसका जो वक्र होगा तो ये होगा उल्टा U आकार का, है ना।
यानी कि इस तरह का जो, तो ये पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का जो है तो वो होगा। अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि नीचे दो इसमें कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, तो उसमें से बताना है। तो इसमें कथन ये दिया गया है कि जो मतलब कि सतत विकास जो है तो मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सही है ना, कथन ये दिया गया है। वहीं देखते हैं इस कारण के बारे में बताया कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, यानी कि ये भी सही है, यानी कि कथन और कारण इसमें दोनों सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा वो ए होगा, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है ना। तो इसमें जो है तो ये पहल योजना है ना, पहल योजना जो है तो इसे सबसे बड़ी जो है तो डीबीटी एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो है तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है ना। वहीं अपने जो एलपीजी से रिलेटेड है तो ये है। वहीं अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ना। 38 क्वेश्चन है, तो इस पर देखते हैं है ना। तो इस क्वेश्चन पे ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है ना। इस तरह की यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं प्रायः। तो इस क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन की बात की जाए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के संदर्भ एक्ट जो है तो उसके संदर्भ में देखे जाए तो इसमें जैसे कि पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगा, है ना, यानी कि उनको कवर करेगा, ठीक 38 में। वहीं सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना इसका मतलब कि टारगेट है, लक्षित करता है इन्हें भी। और वहीं लगभग तीसरा कहता है कि 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, मतलब कि इसमें से जो यदि इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो है तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा तो सी नंबर होगा, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। तो पट्टेदारी सुधार के उपाय के संदर्भ में देखा है तो हम कथन की तरफ चलते हैं। तो इस पे देखा जाए तो कथन क्या कहता है कि लगान का विनियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ रेंट ये इसमें है उपाय के रूप में। वहीं अवधि की सुरक्षा भी है, सिक्योरिटी ऑफ टर्नओवर भी है और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा भी है ना, यानी कि इसमें से तीनों इसमें शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संबंधित बात की जाए तो इसमें से देखते हैं, तो इसमें से स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट में जैसे देखा गया कि सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है, मतलब सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना सही है। वहीं सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण यानी कि टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल ये भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना ना ये भी लगभग सही है। और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संदर्भ में ये जो तो जो चारों हैं तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, है ना, यानी कि चारों जो कथन है वो बिल्कुल सही है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्वेज नहर क्षेत्र है ना, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर यदि मतलब कि बढ़ाया तो उसमें जो पड़ने वाली जो झील हैं तो उनका सही क्रम पूछा गया है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी कुछ डीप मैपिंग की मांग करता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा मतलब कि सही होना चाहिए, है ना। तो इसमें देखा है कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झील को सही क्रम, है ना, यानी कि नॉर्थ टू साउथ की बात कर रहा है। तो इसमें से जो झीलों का सीक्वेंस की बात की तो इसमें से जो इसका जो आंसर होगा तो इसका आंसर नंबर डी होगा, यानी कि पहले लेक मंजिला, फिर लेक टिमसा, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर लिटिल बिटर लेक, है ना, इसका नंबर डी सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 क्वेश्चन कहता है कि टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है ना। तो टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है तो इसमें यदि देखते हैं कि क्वेश्चन मतलब कि उत्तर अटलांटिक कटक का, दक्षिण अटलांटिक, हिंद महासागर कटक का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर सही होगा, यानी कि उत्तर अटलांटिक कटक का ये हिस्सा है टेलीग्राफिक पठार, है ना। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मतलब कि दो मतलब मैचिंग कराने के लिए है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जो विभिन्न नाम हैं
तो उनके नाम के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें से विली विलीज, तो विली विलीज तो प्राय ये ऑस्ट्रेलिया में ये ज़्यादा मतलब कि नाम प्रचलित होता है ना। वहीं हम चलते हैं अपने टैफू, तो हम टैफू के संदर्भ में यदि बात देखा जाए तो जो टैफू टैफू जो है, तो टैफू में देखें तो इसका जो है तो जापान नाम से भी पता चलता है कि टैफू इस प्रकार के जो है तो नाम मतलब जापान से रिलेटेड होते हैं, है ना। यदि हम इसको इसके यदि हम एक या दो ही जानते हैं तो इस प्रकार के जो सही जोड़ियाँ होती है तो उनको ईजिली किया जा सकता है ना। वहीं हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो बगुई है ना, ये सॉरी बगुइयो, तो ये जो बगुइयो है तो इस पे चलते हैं तो बगुइयो का होगा ये कहाँ का है, फिलीपींस का मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना बगुइयो फिलीपींस का। वही हरिकेन्स बचता है तो हरिकेन्स किसका होता है, यूएसए का होता है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो है डी नंबर, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है, है ना, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेल रूट पे कौन सा नगर इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं कि कजान, ओमस्क, सोची या चिता, है ना। तो इस पर यदि हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, सोची। ये जो तो साइबेरिया पारीट रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है, बाकी जो कजान, ओमस्क, चिता ये दोनों ये तीनों अवस्थित हैं, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से देखते हैं किन की मतलब कि सही जोड़ी पे देखें तो इस पर है कि कौन सा सही नहीं है, है ना। तो 45 इसमें देखते हैं तो यदि सांता आना ये कैलिफोर्निया की, ये सही सुमेलित है। हबूब सूडान, ये भी सही सुमेलित है। यामू नाम से भी समझ में आता है जापान, ये भी सही समूह सुमेलित है। वहीं मिस्टल की बात की जाए तो मिस्टल जो है तो ऑस्ट्रेलिया, ये गलत सुमेलित है, है ना। यानी इसका जो आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा डी नंबर। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक और दो फिर से वही मैच कराने के लिए, तो कोयला क्षेत्र है और उनकी लोकेशन की बात की गई है, है ना। तो इस पे से देखते हैं कि इसमें से कौन सा इसमें सही आंसर होगा। तालचेर की बात की है तो तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ इसकी लोकेशन होगी, तो इसकी जो लोकेशन है वो महानदी घाटी पे है, ठीक है, तालचेर की महानदी घाटी इसमें से। वहीं नेक्स्ट पे चलते हैं कर्णपुरा, तो कर्णपुरा कहाँ होता है, कहाँ इसकी लोकेशन देखी जा सकती है, तो कर्णपुरा की जो लोकेशन है ये है दामोदर घाटी, ठीक। वहीं सिंगरौली की बात की जाए तो जो सिंगरौली है ये है सोन घाटी और सिंगरेनी, इन दोनों में कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, सिंगरौली और सिंगरेनी, है ना। तो सिंगरेनी जो है ये है गोदावरी घाटी, ठीक है। तो ये हो गया, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, यानी कि सॉरी इसमें इसका जो आंसर होगा तो सही आंसर इसका ये था, ठीक, इसमें मैच कराने के बाद। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इस पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, है ना, यानी कि भारत में कौन सी इनमें से नहीं है, गुरला, मंधाता या कि नामचा बरवा या कामेट या नंगा पर्वत, है ना। तो इनमें से कौन सी चोटी है जो कि भारत में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो गुरला मंधाता, ये जो है तो भारत में नहीं है, बाकी नामचा बरवा, कामेट और नंगा पर्वत ही भारत में ही अवस्थित है, है ना चोटियाँ। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये कि भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली जो वर्षा है उसकी मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, है ना। तो उस पर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर होगा तो कौन सा होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। इसका 48 का कौन सा आंसर 20 नंबर सही होगा कि जो वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, कैसे कम होती जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है तो क्रमशः कम होती जाती है, उत्तर पश्चिम मैदान में जो पश्चिम विक्षोभ से आने वाली जो वर्षा की मात्रा है, है ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल है लेकिन निचले भाग में बात की जाए तो इसमें खारे जल का प्रवाह मिलता है, है ना, इस नदी की बात। तो ये भी इसकी यदि देखा जाए तो इसमें कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए, तो इसमें से है ये ऐसी नदी है लूनी नदी, है ना। तो इसमें जो है तो इसका जो लूनी नदी है तो इसमें सही आंसर होगा क्योंकि इसको ऊपरी मार्ग में जो इसका मीठा जल पाया जाता है लेकिन निचले भाग में बात की जाए थोड़ा सा जो खारे जल का प्रवाह इसमें मिलता है, है ना। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरीबंद डेल्टा निम्न में से किस डेल्टा का एक प्रकार से उपविभाग है, है ना, मोरीबंद डेल्टा, तो ये जो मोरीबंद डेल्टा है तो ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 51, तो 51 क्वेश्चन कहता है कि नीचे दो कथन दिए हैं, इनमें से एक कथन की वही स्टेटमेंट है, कथन उदाहरण कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, ठीक है, ये कथन दिया हुआ है कि
यहाँ पास मतलब कि ये तो स्टेटमेंट सही है कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है और चीनी है तो इनका उत्पादन जो है तो महाराष्ट्र से तो अधिक है, लेकिन उत्पादकता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, है ना। क्योंकि महाराष्ट्र में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पास ज़्यादा मिल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पास ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मतलब देखने को मिलती है ना। वहीं देखा जाए नेक्स्ट कारण की बात की जाए, ये तो स्टेटमेंट था। अब यदि हम कारण की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं, ठीक है। ऐसा मतलब कि इसमें बताया गया कि जो मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र आर इन कॉपरेटिव सेक्टर, तो ये मतलब कि इसका जो कारण है ना। तो इसकी यदि हम संदर्भ में बात करें तो इसका जो कारण है तो ये तो सही है ना, इसका कारण भी सही है। और ये कथन की बात करें तो ये जो ये अब स्टेटमेंट की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअल दोनों सही हैं, लेकिन एक्चुअल इस स्टेटमेंट का ये रीज़न नहीं है ना कि उत्पादकता कम है इसके उस पर रीज़न, क्योंकि इसमें और भी कई फैक्टर होते हैं। ये तो चीनी मिल तो उसकी अलग से प्रोडक्टिविटी की बात होती है कि उसमें मतलब कि पेराई वगैरह होती है, लेकिन गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो वो तो अलग फैक्टर हो जाता है ना। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर की बात की जाए तो ये जो तो सही इसकी व्याख्या नहीं करता, यानी कि इसका जो स्टेटमेंट होगा तो इसका बी करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, है ना। तो इस पे देखा जाए तो इसका जो मतलब ऑप्शन की बात की इसमें कौन सा सही नहीं सुमेलित है, तो इसमें है कि जैसे दाम तो ताम्र की मुद्रा है ना, तांबे की मुद्रा है दाम। वहीं देसाई की बात की तो राजस्व अधिकारी दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता है। वहीं जरीब तो एक प्रकार कर, तो ये इसका जो है तो गलत है ना। तो इसमें से ये सही सुमेलित नहीं है ना, तो इसका जो है तो डी आंसर हो जाएगा। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मैचिंग कराना है कि इसमें है कि मुल्ला दाऊद है ना। तो मुल्ला दाऊद के बारे में इसमें जैसे बताया गया है कि ये जो मुल्ला दाऊद की उस पर देखें तो इनकी जो रचना है काफ़ी फेमस भी है, चंदायन, है ना। मुन्ना दाऊद का ये चंदायन इसका सही होगा। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इस पे देखते हैं तो दामोदर कवि, तो दामोदर कवि जो है तो ये पद्मावती कथा इन्होंने मतलब की थी, तो ये इसका सही होना चाहिए। वहीं थर्ड की बात की सोमनाथ, तो सोमनाथ जो है तो ये राग विबोध क्यों है ना रचनाकार हैं। वहीं अमीर खुसरो की बात की तो आशिका, ये हो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बी नंबर, है ना, 53 का। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था, है ना। तो ये तो मतलब कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी इसको माना जा सकता है ना, क्योंकि भाटा का राजा रामचंद्र सिंह यानी कि इनको ये रीवा के उस पे होते है ना एमपी में, तो ये तो रामचंद्र सिंह इसका ये राइट आंसर होगा, जिन्होंने अकबर के पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ये सूची एक और दो इसमें भी मतलब कि दिया गया कि ये देखा जाए कि राजवंश और राजधानी, है ना, ये मैचिंग कराना था। तो इस पे से देखते हैं कि यदि देखा जाए तो पल्लव राजवंश जो था, है ना, तो पल्लव राजवंश की राजधानी की बात की जाए तो पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी, कांची थी, ठीक है। वहीं देखते हैं कि पांड की राजधानी मदुरा थी। वहीं यादव राजवंश की बात की जाए तो यादव राजवंश की जो राजधानी थी वो देवगिरी थी, और काकतीय की वारंगल थी, है ना। यानी कि इसका सही आंसर की बात की जाए तो सही इसका आंसर होगा बी नंबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और नीचे देवकूट में सही उत्तर का चयन करना है ना। तो कालक्रम यानी सीक्वेंस के हिसाब से जो है तो इनमें जो है तो कौन सा सही होगा, इसमें मतलब कि वो किया गया है ना। तो इस क्वेश्चन पे देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर इसका कौन सा होगा देखते हैं कि कालक्रम के हिसाब से सीक्वेंस की बात की जाए तो इसके सीक्वेंस से पहले है कि ये से राबिया दौरानी का मकबरा, औरंगाबाद सिरसा सूरी का मकबरा, सासाराम हुमायूं का मकबरा, दिल्ली अटाला मस्जिद, ये तो लोकेशन है ना। इस पर हम इनके सीक्वेंस पे चलते हैं तो इनकी सीक्वेंस पे देखें तो जैसे कि इसमें पहले बात की जाए तो ये अटाला मस्जिद जौनपुर, फिर शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और फिर राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, बी इसका सही आंसर है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और मनसबदारी व्यवस्था के उदाहरण यदि हम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो मनसबदारी व्यवस्था है वो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है ना। वहीं मनसबदारी का पद पैतृक था, ये गलत स्टेटमेंट, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची एक और दो फिर वही कि
ऑप्शन डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन दिया गया कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, इसमें ये मैच कराना है ना। तो इस पे देखते हैं कि जो इलाहाबाद की संधि की बात की जाए तो ये संधि हुई थी 1765 में, ठीक है। उसके बाद यदि हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे, तो जो यहाँ पास देखा जाए तो जैसे देखते हैं कि मंगलौर की संधि, तो मंगलौर की संधि जो हुई थी वो 1784 पे हुई थी, ठीक है। वहीं सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, और वहीं मद्रास की संधि की बात की 1769 में हुई थी। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दो कूट में सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कि मतलब कि 59 क्वेश्चन हैं, तो इसमें से कालक्रम के हिसाब से सीक्वेंस में देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर में बात की जाए जैसे कि इसमें पूना पैक्ट, गांधी इरविन क्रिप्स, तो इसमें से जो पहला सीक्वेंस आता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पूना पैक्ट, ठीक है, और उसके बाद भी आया था क्रिप्स मिशन, है ना। यानी इसका जो सही सीक्वेंस होगा तो ये होगा आंसर नंबर सी, ठीक है। तो ये नंबर इसका मतलब कि सी सही होगा इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर में है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। असैनिक प्रशासन, तो इस पे इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसमें जैसे बताया गया है कि ये लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था इसमें, ठीक। वहीं पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत भी बनाया गया था। यानी कि इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी आर फार्मूला किसने बनाया था, है ना। तो सी आर फार्मूला किसने बनाया था, तो यह है इसका सही आंसर होगा राजगोपालाचारी, वही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनका पूरा फुल फॉर्म ही है, इसमें आधा करके पूछ दिया गया है डायरेक्टली, है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन है ना। तो इसके लेखक हैं कौन, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया, विपिन चंद्रा, इसका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पास देखते हैं कि जैसे है इसमें भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो इस पर देखा है कि केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि भारत के मूल कर्तव्यों में, इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसमें दोनों में ही जो है तो इसके बारे में मतलब कि कहा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। तो पंचायतों के संदर्भ में देखा जाए कि क्या 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ऐसा है क्या, बिल्कुल गलत है, 33%, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गाँव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो इस पे ये स्टेटमेंट भी जो है तो पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ग्राम सभा तो लगभग जो वोटर लेवल मोर देन 18 ईयर, तो ये जो है तो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, है ना। तो वहीं मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, है ना, तो मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, ये जो तो स्टेटमेंट जो है तो एक कैसे सही इसको माना जा सकता है। तो ये 64 का जो है तो ये केवल नंबर 3 जो है तो सही स्टेटमेंट है ना। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा RTI Act, ठीक है, यानी कि इसका बी सही है। वहीं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न में कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, इसमें कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा उसमें सम्मिलित नहीं है, है ना। तो इस पे देखते हैं कि कौन से कार्यक्रम, जैसे राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम या अन्नपूर्णा या महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना या कि उपरोक्त सभी, इसमें से कौन सा है कि जो गरीबी रेखा के नीचे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका सी नंबर, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है तो गरीबी रेखा से नीचे के लिए कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि यहाँ पास है जैसे कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है ना, ये स्टेटमेंट किसके हैं, तो ये स्टेटमेंट है केसी वियर के, इसका नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने का फिर वही है, तो इस पे से है कि महाराजा हर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए,
फर्स्ट स्टेटमेंट भाई, भारत का संविधान लागू हुआ। फिर जम्मू कश्मीर के प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया और जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। यदि हम इसके स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसके स्टेटमेंट की जो सीक्वेंस की बात की जाए तो इसमें से जो सीक्वेंस जो दिए गए हैं तो सीक्वेंस एक प्रकार से क्रम से ही है ना। यानी कि इसका जो आंसर होगा तो इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी कि 1, 2, 3 और 4, है ना। वहीं अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचे जो कथन दिए गए हैं भाई, इसमें से कथन और कारण है ना, उसमें से कोर्ट में से बताना है। तो इसमें से देखते हैं कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च नागरिक सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। बिल्कुल सही है ना भाई, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये भी सही। यानी कि इसके कथन और कारण दोनों सही, यानी कि इसके स्टेटमेंट नंबर 1 सही होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है ना। तो इसमें से आर्टिकल 43A के तहत जो है श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वो क्या है ना, विधिक स्वरूप कैसा है, कि ये लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता, कि विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो स्टेटमेंट है तो ये जो इसका सही हो कि ये लागू नहीं किया जा सकता है ना, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है ना, कई उसमें मतलब कि कहा भी गया है, लेकिन इसको अभिन्न अंग संविधान का भी बताया भी गया है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है ना। तो आर्टिकल 162 के संदर्भ में यदि बात की जाए तो इसमें है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, है ना, ये आर्टिकल 162 पे है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किस मंदिर को विदर्भ खजुराहो के रूप में जाना जाता है ना, विदर्भ का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो खजुराहो तो मध्य प्रदेश में है ना, लेकिन विदर्भ का खजुराहो यानी यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, तो जो विदर्भ का खजुराहो है वो मार्कंडेश्वर को कहा जाता है। ये विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर को, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये मतलब सूची दी गई है कि तूफान है हरिकेन जो अगस्त सितंबर 19 में आए थे और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र, है ना, ये भी मतलब कि काफ़ी एक प्रकार से बहुत ही मतलब कि फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया गया है ना। तो इस पे से देखते हैं कि जिसमें बताया गया है कि जैसे कि डोरियन, हेजबीस, लेकिमा, इमटाग, ये जो साइक्लोन आए थे या हरिकेन, तो ये जो तो कौन से क्षेत्र इसमें से प्रभावित हुए थे। तो इस पे देखा जाए तो इसमें जो मतलब इसके तो इसमें जो है तो डोरियन जो आया था तो उससे कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो डोरियन से ज़्यादा प्रभावित हुआ था बहामाश, है ना। हेजबीस से जो है तो जापान, लेकिमा की बात करें तो लेकिमा से चीन, और मिटाग से जेजुए दक्षिण कोरिया। यानी इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अक्टूबर 19 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है, है ना। तो ये इसका सही आंसर होगा सियेरा लियोन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है, टॉप में कौन सा राज्य है इनोवेशन इंडेक्स में, नीति आयोग का जो वो किया गया था, जारी किया था 19 में। तो ये जो है तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य, इसमें टॉप पे रहा था, तो फर्स्ट रैंक पे कर्नाटक राज्य। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि बुकर प्राइज़ विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक कौन है, है ना। तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा बर्नार्डिन इवारिस्टो। ठीक है, ये इनकी बुक है गर्ल वीमेन अदर, ये बुकर प्राइज़ के विजेता भी हैं 19 के। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया है, है ना। तो इस पे इसका सही आंसर जो कौन सा होगा, नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान के किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है, है ना। तो इसका सही आंसर होगा मांगदेछु विद्युत परियोजना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध निम्न में से किस कला से है, है ना। तो इसका सही आंसर होगा बांस कला से, इसका संबंध है महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का बांस कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिक्किम, है ना।
नेक्स्ट पे चलते हैं कि पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 19 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है किस खेल से संबंधित हैं, है ना। तो हम इन पे मतलब कि दीपा मलिक की उस पे देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोला फेंक पे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया, है ना। तो जलवायु कार्यवाही का आयोजन जो है तो किया गया है न्यूयॉर्क में, है ना, जहाँ मतलब कि ग्रेटा थनबर्ग के मतलब कि वो भी देखा गया, काफ़ी मतलब कि हाईलाइट हुआ उनका जो भाषण था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित कौन सा रोग हो जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन से रिलेटेड है। तो इसमें से इसका जो देखा जाए तो इस पे है कि विटामिन B6 धान की चोकर राइस ब्रैन सही है, विटामिन B2 कार्डियकृत तेल इसका ये गलत है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ये है बी, है ना। बाकी विटामिन ये तो गेहूं अंकुर तेल ठीक है, विटामिन K भी अल्फा अल्फा ये भी सही है ना। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा T6 का। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वही स्टेटमेंट और कारण वाला है, तो यह है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट है ना। तो यानी कि अधिकांश विटामिन जो है तो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, यानी ये सही स्टेटमेंट है। वहीं कहा गया कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं, ये एक्सट्रीम लेवल पे बात कर रहा है, यानी कि गलत स्टेटमेंट है। यानी इसका जो सही आंसर होगा तो कौन सा होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही इसमें फिर वही मैच कारण है कि इसमें है कि जो मतलब कि सूची है ना कि देखते हैं कि जैसे केवलार है ना, तो केवलार से रिलेटेड देखा जाए तो इसमें देखें तो इसमें एक संश्लेषित रेशा है, ठीक है, केवलार जो है तो संश्लेषित रेशा है। और वहीं देखें इस पे नेक्स्ट पे चलते हैं टेक्साल, तो टेक्साल है कैंसर रोधी दवा, ठीक है, ये फेमस भी रही है काफ़ी। वहीं जिंक फास्फाइड, तो जिंक फास्फाइड जो है तो रोडेंटनासी है, और नाइट्रो सेलुलोज जो है तो ये विस्फोटक है। इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, पी नंबर, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से किस किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ, तो इस परिघटना को कहते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, तो इसका डायरेक्टली इजी क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। वहीं एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है, ये बताया गया है। तो एंजाइमों के संदर्भ में यदि बात की जाए स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट देखते हैं, है ना, कि वे जैव उत्प्रेरक हैं, सही है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं और उत्पादित होते हैं, है ना, ये भी सही है ना। तो यानी कि ये इसका सही आंसर होगा सी नंबर। 92 पे चलते हैं। यह है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, इसमें निम्न से किसका अभाव होता है ना। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा तो इसमें से लौह का अभाव होता है, यानी आंसर नंबर ए, माँ के दूध में लौह का अभाव होता है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार मतलब कि प्रयोगशीलता संश्लेषण के पहली बार जो उस पर संश्लेषण के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन में जैसे कि बात करें इसमें, तो इसमें जो है तो जैसे इसके हम सीक्वेंस पे देखें, है ना, तो सीक्वेंस पे यदि देखते हैं तो पहले इसमें जैसे ब्लैक गोल्ड फ्लोरिन ग्राफिन केवलार है ना, तो इस पे देखें तो जैसे कि इस पे देखते हैं तो पहला सीक्वेंस पे आ जाएगा जो है तो केवलार, ठीक है, केवलार के बाद फ्लोरिन, देन ग्रेफीन और फिर ब्लैक गोल्ड, यानी इसका जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर इसका कौन सा होगा, बी नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बिब्लियोमेट्री क्या है, तो बिब्लियोमेट्री क्या होती है भाई, तो बिब्लियोमेट्री है तो ये है क्या, पुस्तकालय सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्न में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है ना, तो वापसी की शक्ति है ना, तो ये इसका सही आंसर होगा एल्बिडो की, एल्बिडो से संबंधित है वापसी की शक्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है कि गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है ना। तो इस पे से देखते हैं कथन की तरफ कि ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, या गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है ना, यानी कि इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस पे चलते हैं कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था, तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था वो बायोसेफ्टी के लिए हुआ था, ये सही सुमेलित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक है ना, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लिए ये इसमें मतलब कि किया गया है इसको रोकने के लिए, तो ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन सी रिलेटेड है 1997, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण, बिल्कुल गलत, यानी कि इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे वही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पे चलते हैं हम लोग कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, है ना, ये स्टेटमेंट है। वहीं तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, ये दोनों स्टेटमेंट हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, तो इस पर यदि देखा जाए तो ये इसका जो सही होना चाहिए बी नंबर सही होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है पारिस्थितिकी तंत्र में, है ना। तो इसमें देखते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है घटती जाती है, है ना, पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, तो है ना। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका तो भी सही है ना, घटती है। निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, है ना। तो नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित जो जैविक है वो है नीला हरा शैवाल, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि धुआं या स्मॉग जो है तो आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, किस कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के निम्न क्षेत्र में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो है तो दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि श्याम विवर होता है, है ना, श्याम विवर या ब्लैक होल, तो ब्लैक होल क्या होता है उसके संदर्भ में देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा कि सिमट गया तारा या एक कोलैप्स्ड स्टार, है ना। एक कोलैप्स्ड स्टार जो है तो ये एक ब्लैक होल होता है जिसमें से एक प्रकार से इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होता है और इससे कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट होकर के नहीं जा सकती, कि इवन की लाइट या प्रकाश भी जो है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं जा सकती है, इतनी इसमें ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, आकर्षण शक्ति होती है ना। तो मतलब कि ये होगा, हालांकि अभी हाल ही में जैसे कि ब्लैक होल की एक इमेज भी साइंटिस्ट विश्व के ग्लोबल लेवल पे मतलब कि खींची गई थी, कई साइंटिस्टों ने मिलकर खींची भी थी, है ना, उसके उसमें। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र की यदि बात की जाए तो वो है पश्चिमी घाट, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना। गंगा का मैदान यहाँ तो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कि कृषि वगैरह ज़्यादा होती है, ट्रांस हिमालय में उतना ज़्यादा नहीं, है ना। पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, है ना। तो भारत में जो SDG के लिए जो नोडल एजेंसी है तो वो कौन सी है, तो वो है अपना नीति आयोग, वही जो है तो मतलब कि पूरा मतलब जो भी इस पे SDG से रिलेटेड वो होते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु उद्योगों के लिए बनी जो निम्न समितियों को कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने की बात की गई इसमें, है ना। तो ये जो समितियां हैं तो उसके संदर्भ में यदि बात की जाए तो इसमें जैसे कि देखें तो इनके सीक्वेंस पे देखते हैं, तो पहले है SS कोहली समिति, है ना, इसमें जैसे कि कार्वे समिति, SS कोहली, आबिद हुसैन समिति, नायक समिति, इनमें है। तो ये भी यदि इनके सीक्वेंस के संदर्भ में बात की जाए, इनको क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले इसमें कौन सी आनी चाहिए, तो पहले आएगी इसमें कार्वे समिति, ठीक है, फर्स्ट है कार्वे समिति, देन जो आएगा आबिद हुसैन समिति, फिर आएगी नायक समिति, फिर SS कोहली समिति, यानी इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक दो वही कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष, है ना, तो कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष, तो इस पे देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। तो इस पे से देखते हैं तो जैसे अंधत्व नियंत्रण है तो राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो ये कब आया था, 1976 में आया था। वहीं समन्वित बाल विकास योजना 1975 ICDS। वहीं राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम आया था कब, 1983। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था 2005, ठीक है, वहीं मनरेगा हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका जो सही आंसर के संदर्भ में देखा जाए तो वो होगा सी नंबर, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नीचे दो कथन है, फिर वही कारण कथन, तो इस पर देखते हैं कि जैसे हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। कारण की बात की जाएगी कि
पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है, ये कारण बिल्कुल गलत है, बल्कि ये तो उल्टा ही बोल रहा है ना। तो इसका जो आंसर होगा तो वो होगा सी नंबर, है ना, कि कारण तो सही, मतलब कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, और कारण अपने आप में भी गलत है ना। अब चलते हैं कि भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि, तो डिपेंडेंसी रेशियो क्यों घट रहा है भारत में, तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो इस पर क्या क्या ऑप्शन है, कि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, या कि 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, या कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, या 0, 14 या 60 वर्ष की अधिक जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। तो इसमें जो इसका सही स्टेटमेंट होगा 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, इसलिए है ना, क्योंकि प्राय जब डिपेंडेंसी की बात की जाए तो निर्भरता तो प्राय जो होते हैं तो 0 से 14 वर्ष के लोग, और वहीं 60 प्लस वाले जो है तो इनको निर्भरता की श्रेणी में रखा जाता है ना। लेकिन जो भारत में जो 1559 वर्ष की जो जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग लगभग ये जो है तो मोर देन 55% जो है तो इनकी संख्या है ना, तो इसलिए जो है तो ये कम हो रहा है, स्टेटमेंट इसका सी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, है ना। तो पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन संबंधित जो SDG है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा SDG 6 से रिलेटेड है, ठीक है, यानी ए आंसर सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्लाव रोम के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है ना। तो अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाली जो जनसंख्या होती है तो उसको कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, है ना, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, इसका स्टेटमेंट ए सही है। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में बात की जाए तो CSR में ये देखें तो जैसे कि कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया है, ये सही है, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होता है, ये गलत है, 2% होता है। तो यानी कि इसमें सही आंसर इसका ए होगा, कथन केवल एक सही। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित ये किया गया है, तो ये जो जीवन की मतलब कि भौतिक गुणवत्ता सूचकांक है तो ये जो सूचकांक प्रस्तुत किया गया है, विकसित किया गया, तो मोरिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2017 में क्या स्थान था, ना यानी 2017 में पूछा है कि कौन सा स्थान था भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, है ना। तो ये जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 100वें नंबर पे, जो तो भारत की स्थिति है, है ना, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही सूची मिलान की उस पर है, कि देखते हैं कि इस पर जैसे है कि वनस्पति प्रकार और क्षेत्र इसमें दिए हुए हैं, है ना। तो इस पर जैसे कि देखते हैं इसमें कि यहाँ पास जैसे कि माक्वी, है ना, तो इस पे माक्वी के संदर्भ में देखें तो इसका जो सही होगा तो है माक्वी का भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है, ठीक है, ये वनस्पति प्रकार जो है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है, तटीय क्षेत्र में। वहीं चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे कि फिम्बस, तो फिम्बस क्या है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में ये वनस्पति पाई जाती है। वहीं चैपरेल, तो चैपरेल जो है तो कैलिफोर्निया में, और मैटोरेल जो है तो चिली में, ये इसका आंसर जो है तो कौन सा सही होगा, ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये फिट वही मिलाने के लिए मैचिंग का है, तो इस पे चलते हैं तो इसमें देखा जाए तो उज्बेकिस्तान, तो इसमें उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, पता ही है, ताजिकिस्तान की भी दुशांबे सही है, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अस्काबाद, यानी इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र वही कि ना, तो इस पे से देखते हैं कि अतिजीवी वनस्पति, है ना, तो अतिजीवी वनस्पति जो है तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट बबूल सहारा क्षेत्रों में, है ना, कटीले पौधे हैं। बायोबाब, तो बायोबाब जो है तो सवाना क्षेत्र पे, और देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, यानी इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है, ना, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पिग्मी कांगो बेसिन ये सही है, अंगामी नागालैंड ये भी सही है, एनु जापान ये भी सही है, किर्गिज सूडान ये गलत स्टेटमेंट है, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ये सुमेलित सही नहीं है, ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कथन दिए वही कथन कारण कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है, ना?
तो ये स्टेटमेंट है, तो ये मतलब इसको सही कहा जा सकता है, क्योंकि देख सकते हैं कि जैसे जिस प्रकार से अमेरिका, चीन, भारत तो है ही ऑलरेडी, है ना, और भी शक्तियाँ जो होते हैं यहाँ पास, मतलब कि संकेंद्रित होती जा रही हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब इसके कारण की बात करें कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ होता है, ये भी कारण सही है। इसी कारण तो कोई भी व्यक्ति, मतलब कि कुछ भी होता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होता है ना, कुछ एडवांटेज होते हैं, तो यहाँ पास ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा कि कथन और कारण दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या भी करती है ना, तो ये सही है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है ना, मध्य भारत में स्थित पहाड़ी का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम की बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, है ना। यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ यदि जाते हैं तो पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, ये आ गया पश्चिम से पूर्व, है ना, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कथन स्टेटमेंट वही कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाले भूकंपी क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, है ना, यानी कि देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट इन हिमालय, ये सही, ये भी सही है। यानी कथन कारण इसके दोनों सही है, यानी कि ये सही आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, ये किसका सुंदर उदाहरण है ना, मणिपुर बेसिन इम्फाल, तो इसका जो सही आंसर होगा यह है सरोवरी मैदान का, है ना, सरोवरी मैदान के इम्फाल बेसिन एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सी भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है दामोदर, है ना, तो इसमें जो है तो प्रायः मतलब कि चंबल में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फ्रॉस्ट देखे जाते हैं, है ना, कि इसमें भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए फेमस मानी जाती है ना, तो इस पे जो है तो यहाँ पास इसके जो आंसर की बात किया है, तो आंसर मतलब कि इसमें स्पेशल तौर पे मतलब कि देखा जाए तो निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है किसे, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयी प्रदेश ने हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है, हिमालय पर्वत के संदर्भ में स्टेटमेंट है, तो इसके संदर्भ में देखा जाए तो जैसे स्टेटमेंट पे देखते हैं कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टाने जीवाश्महीन है, क्या ऐसा है ना। वहीं नेक्स्ट मतलब कि ये स्टेटमेंट तो जो है तो जीवाश्महीन है, ये गलत है ना। वहीं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नीचे दो कथन कारण है, वही कथन कारण है ना, तो इसमें देखते हैं कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था, कथन सही है। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, ये भी सही, यानी इसके कथन कारण सही है, यानी कि स्टेटमेंट इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित युद्धों के कालक्रम में व्यवस्थित करने मतलब कि क्या करने की बात कही गई है ना, तो इसमें सीक्वेंस इनमें देखा जाए तो इसका जो सही वो होगा, तो इसमें देखें तो पहले होगा बिलग्राम का युद्ध, फिर सरनाल का युद्ध, फिर धर्मत का युद्ध और फिर जजाऊ का युद्ध, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, हठ योग के संदर्भ में, तो हठ योग में चलते हैं तो हठ योग जो है नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता है, जाता था, है ना, या गोरखनाथ वगैरह, है ना, तो इसका ये सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही है, यानी इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका सी सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, है ना, एकता व्यवस्था की कौन सी विशिष्टता नहीं है, तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ठीक है, ये सही है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं कि सियासत नामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये गलत है ना। वही मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी सही है, यानी इसका जो मतलब कि स्टेटमेंट आंसर होगा इसका सी सही होगा, कि ये व्यवस्था सही नहीं है, यानी इसमें ये सही नहीं है स्टेटमेंट, सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकें हैं उनके राइटर के नेम नाम दिए गए हैं कि तबकात ए नासिरी, है ना, तो तबकात ए नासिरी की बात की जाए तो ये जो है तो मिनहाज उस सिराज जस्सानी, ये सही आंसर इसका है।
तारीख़ ए फिरोजशाही, तो तारीख़ ए फिरोजशाही किसने लिखी थी? तो तारीख़ ए फिरोजशाही शम्स ए सिराज आफ़ीक, ये सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता, ये गलत है। वही हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ये सही है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, है ना। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित किया गया था 1872 में पारित किया गया था, है ना। तो इसका 1872 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वहीं आंदोलन और वर्ष उसका मिलाने के लिए है ना। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है कि जैसे पावना विद्रोह की बात करें तो पावना जो है 1873 से 1885। वहीं एका, तो एका की बात करें तो ये 1922 में हुआ था, ठीक है, एका विद्रोह। वहीं संथाल की बात करें संथाल 1855-56। वहीं ताना भगत, तो ताना भगत 1914 में हुआ था। यानी इसका जो सही स्टेटमेंट होगा, सही आंसर होगा, तो होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हाँ, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से इसके आंसर पे देखा जाए, जबकि भारतीय जल सेना अधिनियम आया था 1927 में, ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, ये भी सही है। सांप्रदायिक निर्णय है ना, ये कम्युनल अवार्ड जो था 1933, ये गलत है। यानी कि इसका आंसर स्टेटमेंट इज राइट, आंसर डी सही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए है। तो इस पर यदि देखते हैं कालक्रम में व्यवस्थित करने की स्टेटमेंट पर देखा ध्यान दिया जाए, तो इनमें सीक्वेंस ये देखते हैं, तो इनमें सीक्वेंस में पहले कौन सा आएगा? तो पहला इसमें आएगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, उसके बाद आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर साइमन आयोग की नियुक्ति, और फिर आएगा महात्मा गांधी की डांडी यात्रा 1930, है ना। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, है ना। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो इसमें से कहाँ चलाया गया था? लाल किला दिल्ली में। ये भी हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पास मतलब कि झंडा भी फहराया था, है ना, INA के उसी में। तो ये हो गया इसका आंसर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 137 की। एक कथन कारण है तो यह कि पहला है कि इसमें कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। ये स्टेटमेंट मतलब कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि वारन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत फारसी अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। स्टेटमेंट ये भी सही है, लेकिन ये उसका सही कारण नहीं है कथन का। स्टेटमेंट अपने आप में तो दोनों सही हैं, बट उनका एग्जैक्ट ये कारण नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पी नंबर, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है, है ना। तो पंचांग के संदर्भ में देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये गलत है, विक्रम संवत पर आधारित नहीं है। वहीं राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 से अपनाया गया है, ये भी जो स्टेटमेंट है तो बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि इसमें ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा में से अलग किया गया था, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया था, है ना। तो इसका जो सही वो होगा वर्ष होगा वो 1976 को, जो है तो लेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया था, और अकाउंट ऑडिटिंग को अलग कर दिया गया था 1976 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। तो नियोजित विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने, है ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये दो कथन कारण है, तो इस पे देखते हैं कि ये यहाँ पास है कि जैसे कि कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, है ना। ये इसमें मतलब कि सही है कि आर्टिकल 30 में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। वहीं नेक्स्ट पे चलते हैं कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, है ना। तो अपने आप में कारण तो ये भी सही है, मतलब कारण सही नहीं बल्कि स्टेटमेंट सही है, है ना। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है मतलब कि बी नंबर, है ना। कारण मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही कथन है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये गलत स्टेटमेंट है, इसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लिमिटेशंस भी हैं, यानी इसका सही आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, है ना।
तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये किसका विषय है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है तो ये विषय राज्य सूची का है, ये सही स्टेटमेंट है। जनगणना संघ सूची का विषय, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय अनुसूची, ये जो है तो ये स्टेटमेंट जो है तो बिल्कुल सही नहीं है, है ना, ये फोर्थ है। वहीं दल बदल विरोधी कानून, ये जो है 10वीं अनुसूची में है, 19 उस पर, ये भी सही है। यानी कि इसका जो इसमें अकॉर्डिंग टू इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में लगभग लगभग 29 विषय हैं, लगभग नहीं एग्जैक्ट 29 विषय हैं। इसका आंसर सी सही होगा, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पीएमओ के संदर्भ पे चलते हैं, तो ये 1977 में अस्तित्व में आया था, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, सॉरी, इसमें से ये 1977 में अस्तित्व में आया, तो इसका एग्जैक्ट ये सन तो सही है, राइट है ना, 1977 में ये अस्तित्व में आया था। लेकिन पीएमओ का जो हेड है तो ये प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा केवल सी, है ना, यानी कि पहला वर्ष सही इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये इसके जो लागू होते हैं तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि त्रिपुरा इसमें ऑप्शन है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस पर देखते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि सामने आप प्रस्तुत करने का न्यायालय आदेश देता है, ये सही है। परमादेश वी कमांड, यानी कि आदेश दिया जाता है इसमें, है ना, तो ये भी सही है। प्रतिशत टू बी सर्टिफाइड, ये गलत है, ये रोकने की बात करता है लेकिन सर्टिफाइड कर रहा है, तो ये रॉन्ग है ना। अधिकार पृच्छा को वारंट टू क्या है, वाई व्हाट अथॉरिटी, ये सही है, मतलब पूछता है किस हक से आप उसके लिए, मतलब ये यहाँ पास है ना, तो यानी कि इसका जो सही स्टेटमेंट होगा 147 का, तो ये होगा सी, है ना, ये गलत है। वहीं धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा एग्जैक्ट 110 नंबर आर्टिकल पे धन विधेयक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्न में से किन दो शहरों को जोड़ती है? ना, तो सीमा पार पाइपलाइन जो है तो मोतिहारी और अमलेखगंज को जोड़ती है, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अजरबैजान बाकू में, जब ये हुआ था तब जो है तो जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, है ना। तो ये जो है तो कम्प्लीट UPPCS का जो है तो पूरा पेपर का एनालिसिस है उत्तर के साथ। तो बस, नहीं, धन्यवाद।